दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। छावनी परिषद सुबाथु में मंगलवार को राष्ट्रीय अपराध जांच ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक विनोद माधिया ने सुबाथु पुलिस व मीडिया कर्मियों को कोविड 19 के दौरान कोरोना योद्धाओं की भूमिका निभाने पर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। एनसीआईबी के अतिरिक्त महानिदेशक विनोद माधिया ने पुलिस चौकी सुबाथु में पुलिस जवानों को सम्मानित करने के दौरान बताया कि एनसीआईबी संस्था समाज में होने वाले जुल्म व अत्याचारों पर पुलिस की मदद करने में अपना अहम योगदान दे रही है। उन्होंने कहा कि कोविड 19 के दौरान सुबाथु पुलिस व मीडिया कर्मियों ने जनहित में निष्ठापूर्वक कार्य किया है। इसके लिए पुलिस के सभी जवानों सहित पत्रकारों को भी सम्मानित करते हुए प्रशस्ति पत्र दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सुबाथु पुलिस के उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए संस्था की ओर से प्रदेश पुलिस महानिदेशक को भी पत्र लिखा गया है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सुबाथु से कपिल गुप्ता की रिपोर्ट। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हों या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।